ओके गाइस फ्रेंड्स, तो बारी है अब आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब लेने की। तो फाइनली मैं आ चुका हूं हमारे यूएफसी के अंदर बैठे वो दोनों कर्ता, जिन्होंने अपना एक टाउन यहां पर स्टेबलाइज किया है और उस टाउन में इस वक्त मैं बैठा हूं, यानी कि उनके जिम में बैठा हूं। तो सबसे पहले मिलेंगे परमेश जी से, जो कि पहले करता रहता, यानी दोनों वैसे तो सेम ही है। तो परमेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आपकी जिम में मैं आया हूँ आपसे मिलकर, और आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और हर्ष जी हमारे साथ, हर्ष हैं, इन्होंने साथ में ये शुरू किया है। तो हर्ष जी आपके लिए भी थैंक यू सो मच कि आपने भी मौका दिया और आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की और काफ़ी अच्छा बिल्ड किया अपने आप को। और ये खुशी है कि अब जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो मतलब कि एक अच्छी नॉलेज के साथ, क्योंकि परमेश जी को सभी जानते हैं कि नॉलेज भी रखते हैं, इन्होंने कम्पिटिशन्स भी फाइट किए हैं, और साथ ही अब आप इनके साथ जुड़ के बैठे तो अब एक अच्छा नॉलेज सभी को गेन करने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ में परमेश जी और हर्ष जी, जिनके जिम यानी कि UFC, जी हाँ, और इसका पूरा नाम अभी ये खुद ही बताएंगे आपको UFC का क्या मतलब है। तो सर, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई भी मेंबर जुड़ता है आपके जिम में आता है, सबसे पहला जो नाम होता है वही हर एक जिम की पहचान होती है। तो आपने जो नाम सोचा है UFC, ये आपने मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि मेरे इस फिटनेस जिम का एक नाम होगा UFC, या मेरे फिटनेस टाउन का नाम होगा UFC, उसके बारे में सोच सकते हैं? सबसे पहले तो UFC का पूरा नाम है उदयपुर फिटनेस क्लब, और जो कि हमने इसलिए सोचा है ताकि इसके थ्रू हम फिटनेस में उदयपुर को रिप्रेजेंट कर सकें। क्या बात। तो फिर पहले तो इनिशियल लेवल पे हम ये चाहते हैं कि उदयपुर को फिट करें, उसके बाद हम आगे यूनिट्स इसकी बढ़ाते हैं। मतलब सबसे पहले आपने सोचा है मेरे होम टाउन के अंदर जितने भी हैं पहले उन्हें फिट किया जाए, उन्हें एक सही डाइट बताई जाए, उन्हें फिट कर उनको बताया जाए कैसे फिट रहा जाता है, उसके बाद ही हम कोई और हमारे साथ जुड़ता है उसे बताएं। बिल्कुल। क्या बात। ये भी चाहते हैं कि जो हमारे टाउन में हमारे एरिया में है वो हमसे बिल्कुल पूरा सेटिस्फेक्शन लेके जाए। क्या बात। और वो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही वापस बाहर जाए। क्या बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी इसी के साथ में मैं परमेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे हर इंसान का एक सपना होता है कि मेरे जिम का नाम एक भटके होगा मेरे ही नाम से, या मैं कुछ अलग सोचूंगा, मगर आपने इस चीज का ध्यान रखा है दोनों ने मिलकर कि हम उदयपुर को लेकर चले, कि उदयपुर फिटनेस या जो भी आपने जैसे UFC का नाम लगा तो उसको लेकर चलेंगे। तो ये मतलब आपने उदयपुर को ही सोचा। वैसे क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे नाम से बहुत अलग अलग नाम रखे होते हैं, किसी का कुछ नाम होता है, यार ये उन्होंने अलग ही सोच के, तो आपने उदयपुर को लेकर चलना क्यों सोचा कि ये नहीं है? एक्चुअली ये हुआ था कि जब हम नाम रख रहे थे, जब वर्क इन प्रोग्रेस था, तो बहुत से नाम सजेस्ट, यानी हमने सोचे भी थे, बहुत से नाम कैंसिल भी हुए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। और मैं अगर अपनी जगह से ही स्टार्ट करूंगा, अपने लोगों से ही स्टार्ट करूंगा, लोगों को लेकर चलूंगा, अपने लोगों को साथ में लेकर चलूंगा, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब आप सोचिए ना कि मैं, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद फिट नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे फिट कर सकते हो, तो मैं हमारा मानना ये, हम दोनों का मानना ये कि प्रायर नोटिस पे हमको उदयपुर में फिटनेस अवेयरनेस लेकर आनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये भी नहीं है कि सिर्फ हम उदयपुर में रुक जाएंगे। सही बात है। हमारा 2021 का एक नया प्लान है। अच्छा, तो आ गया। हाँ, और जब हम उदयपुर से बाहर जाएंगे तो वहाँ हमें ये बताना नहीं पड़ेगा कि हम उदयपुर से, क्योंकि हमारा नाम ही हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा कि भाई हम यहाँ से। हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं मेरे परिवार को लेकर चलूं, तो आप उदयपुर को अपना परिवार मानते हैं, मैं पहले अपने परिवार को स्वस्थ करूंगा। एक्चुअली वही चीज बात है। क्या बात है। जब यहां से हम बाहर जाएंगे ना, तो हमें जैसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां से हैं, वो सिर्फ नाम। सामने जो भी, जहाँ भी आप जाएंगे, हम तो कहते हैं कि आप वहाँ पर भी बहुत तरक्की करें, लेकिन अगर वहाँ आप जाएंगे तो वो ये बोलेंगे ये उदयपुर से नहीं, ये अपने घर से आए हैं, अपने घर से एक इस टाउन में आए हैं और ये अपना कुछ करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बहरहाल ये बहुत ही अच्छी बात है। UFC जो नाम है, मेरे ख्याल से आप भी अब आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं मेरे उदयपुर एक फिटनेस में, मेरे उदयपुर टाउन में। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना कि अपन कहीं बाहर जाते हैं तो फिर जैसे सपोज करो अपन आउट ऑफ उदयपुर गए तो एक फीलिंग नहीं आती। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा तो एक उसको फीलिंग आएगी कि मैं उदयपुर में हूँ और उदयपुर से ही। हाँ, अपने आप ही। हाँ, एक एटमॉस्फेयर मिलेगा उसको कि हाँ उदयपुर से, उदयपुर से हूँ और मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो पूरा एक उदयपुर को अपना मानते हैं। तो ऑब्वियसली, तो दोस्तों जब आप आएंगे तो आपको भी यहाँ ट्रेनिंग ऐसी मिलेगी जहाँ आपको अपनापन लगेगा और पूरा अपने की तरह से, अपने ही घर के मेंबर की तरह से आपको ट्रेन किया जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सर अगला जो सवाल मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी तरफ से है वो ये कि अगर जैसे कोई बिगिनर्स, बिगिनर्स कहने का मतलब कि जिन्होंने अभी तक कोई जिम ज्वाइन नहीं किया,
और कहीं वर्कआउट से उनका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अब वो आपका ये वीडियो देखेंगे, आपसे मोटिवेट होकर अगर वो जुड़ते हैं भी, तो आते ही जिम में उनको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? देखना चाहिए इन द सेंस कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि भैया हम जिम में जाएं तो क्या हम पहले डंबल उठा लें, कितना किलो डंबल उठाना चाहिए, या मैं बेंच प्रेस कितनी लगाऊं? तो अब ये जो नाम है आजकल आप भी जानते हैं, ऑनलाइन से नाम देख के और सबको देख कर अगर लोग हो गए हैं, तो अब उनको ये तो पता नहीं होता कि बेंच प्रेस क्या है, कैसे करें, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? सर मैं आपसे पूछा, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई बिगनर जिम जाता है, बिल्कुल पहली बात तो ये कि जब वो जिम विजिट करने जाता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये जिम में जाने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात। अब इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है? इम्प्रूवमेंट के लिए ये जरूरी है वहाँ के ट्रेनर्स, वहाँ का एनवायरमेंट, और वो आपको कैसे गाइड करते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब आपका कि अगर ट्रेनर्स सही नॉलेजेबल हैं तो वो आपको एक सही चीज गाइडलाइन बताएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जाते हैं आप डंबल उठा लो, वो पहले आपको मतलब नॉर्मल जो भी प्रोसेस आपका रहता है अपनी बॉडी को बताएंगे कि वर्कआउट क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, बॉडी अडेप्ट करेगी उसको, उसके बाद आगे की बात आ जाती है कि अपन डंबल कितने उठा रहे हैं, बेंच प्रेस कितने कर रहे हैं। और एक ट्रेनर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो जो डंबल उठाना है ठीक है, आपको 10 केजी का उठाना है, आपने टारगेट सेट कर रखा है, लेकिन 10 केजी तक कैसे लेकर के जाना है आपको, वो एक ट्रेनर ही डिसाइड करता है कि आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस और 10 केजी का डंबल उठाना किस तरीके से में और किस प्रॉपर तरीके से पोस्चर में उठाना है आपको। पर्टिकुलर आप जैसे बेंच प्रेस की बात करते हैं तो बेंच प्रेस में कहां ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ठीक है, डंबल कर्ल में जैसे बात आ गई तो फिर उसमें कहां ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, क्या रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, ये सारी चीजें ट्रेनर। और आपको जब बिगनर गया विजिट करने तो उनको क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जिम्स में क्या होता है, कॉन्सटेंटली छुट्टी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप वहाँ पे जो रिसेप्शन पे या काउंसलिंग जो आपका ले रहा है आप उनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछिए कि आप इन्हीं से यानी फिटनेस इंडस्ट्री से ही है या आप किधर अदर सेक्टर से हैं। हर इंसान का फिटनेस इंडस्ट्री से होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप फिटनेस इंडस्ट्री में ही हैं, बिल्कुल सही, तो आपको होना चाहिए कि आप किसी से बिलोंग करते हैं। सही बात। तो सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन बिगनर जो विजिट करने चाहते हैं बिगनर है तो उनको थोड़ा सा अपने ट्रेनर का हिस्ट्री जान लेना चाहिए कि वो किस तरीके से उनको एक्सपीरियंस कितना है और उनका के उनकी गुडविल कितनी है। बिल्कुल सही। और जैसे कि अभी ये लोग ये कहते हैं कि जिम में जो बॉडी बनती है वो मशीनों से बनती है, तो मशीनों से मेरे ख्याल से अब आपकी ये बात सुनकर मुझे नहीं लगता है कि जिम में मशीनों से बॉडी बनती होगी, क्योंकि बॉडी बनती है तो सबसे पहले एक सही ट्रेनर से। मैं कहा अभी भी क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो ये सोचते हैं कि यार जिम में बहुत अच्छी मशीनें होंगी, बहुत कमाल की मतलब हाईटेक मशीनें होंगी तभी हम बॉडी बना पाएंगे, नहीं तो नॉर्मल हम वेट से नहीं बना पाते, तो ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जब अपन एक बहुत अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि अपना मेंटेनेंस कैलोरी हो गई, अपन कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मशीन्स हो गए, अब अपन को पता ही नहीं उस मशीन्स को यूज कैसे करते हैं, ये बात है। तो और उसके बारे में भी तो बताने वाला एक कोच ही होगा, कोच सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों आपको शायद इस सवाल का जवाब मिल गया है कि सिर्फ और सिर्फ मशीनें नहीं, एक बेहतरीन कोच अगर जिम में है तो वही आपकी बॉडी में आपको फिट कर सकता है, और अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में तो वो ही आपको ट्रेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि एक अच्छा ट्रेनर वहाँ होना जरूरी है, और उस बिना उस ट्रेनर के कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो सर, मेरा जो अगला सवाल है हमारे व्यूवर्स के लिए जो कि फिटनेस के मामले में बहुत कम नॉलेज होते हैं, तो उसमें कुछ लोग ये है कि जिन्हें मैं शायद अगर एक प्रेटेंट करूँ असामाजिक, वो कहते हैं कि पाउडर लेके जो डब्बा होता है डब्बा खा के ही बॉडी बनाई जा सकती है, और दूसरा ये वो बोलते हैं कि जिम में जाओ और पाउडर लेना शुरू करो तभी बॉडी बनेगी, और पाउडर लेके बॉडी अच्छी बन जाती है, तो ये जो पाउडर है इस पाउडर से ही बॉडी बन सकती है क्या उस बारे में? नहीं, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा जी, ये पाउडर नहीं है, ये एक प्रोटीन है जो डाइटरी सप्लीमेंट है। ओके, और ये अपन को तभी उसमें लेना चाहिए जब अपनी बॉडी एक्स्ट्रा डिमांड करती है। हाँ। अब जिसकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो उसे कोई जरूरत नहीं होती कि वो ले, क्योंकि उसकी बॉडी वैसे ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जिसका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, जिसकी मतलब डाइजेशन भी थोड़ी दिक्कत है, तो उस टाइम हम रिकमेंड करते हैं उसको कि प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब इन द सेंस कि अगर वो नेचुरल डाइट से गेन नहीं कर पा रहा है और जैसे कि मेटाबॉलिक जो आपने कहा रेट अगर उसकी सही नहीं है तो आप उसको रिकमेंड करते हैं।
बाकी इसकी जरूरत नहीं है। इसकी और ये सर पाउडर में उन्हीं के लिए बोल रहा था, ये एक्चुअली मेरा नहीं था, ये उनका था जो इसको पाउडर पाउडर बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पाउडर की एक सही डेफिनेशन यहाँ मिल गई होगी कि इसे पाउडर नहीं कहा जाता है, जैसा कि सर ने कहा ये एक डाइट्री सप्लीमेंट है। और डाइटरी सप्लीमेंट के लिए भी अब आप डिक्शनरी खोलिएगा, उसमें जाके पढ़िएगा तो समझ आएगा। और इसको भी अपन तब यूज करते हैं जब अपनी बॉडी एक्स्ट्रा डिमांड करती है, बाकी इसकी कोई इतनी यूज नहीं होती। बिल्कुल। तो सर ये मेरे ख्याल से आपके इस जो जवाब से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की आंखें खुली होंगी और अब शायद वो लोग जो हैं पाउडर नहीं बोलकर उसे एक डाइटरी सप्लीमेंट कहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला सवाल जो सर हमारा एक तरह से सवाल नहीं कह सकते इसको, ये कुछ लोगों की भावनाएं हैं, उन लोगों को देखने को मिला है ज्यादातर जिम में जाके कि अक्सर जब भी जिम में कोई मेंबर जाता है नया जुड़ने के लिए तो उनको ये देखने को मिलता है कि वहाँ के जो ओनर हैं वो एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन द सेंस कि उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है, इन्वेस्ट करके बैठे हैं और आ रहे हो जिम में, उन्हें कुछ इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ अगर वहाँ ट्रेनर है तो वो आपको देख रहे हैं उस बारे में, क्योंकि इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि जिसने इन्वेस्ट किया है उसको कुछ नॉलेज होगा, क्योंकि अगर आप खुद इस लाइन से हैं, फिटनेस लाइन से हैं, फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं अपना जिम डालते हैं तो वो एक बेनिफिशियल है हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो अब अगर जो इन्वेस्टर हैं जो बैठे हैं तो वो कैसे, मतलब वो मुझे समझ नहीं आता उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट किसी ने भी किया हो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वहाँ का सारा मैनेजमेंट का होता है। अगर अपना मैनेजमेंट अच्छा है, अपने ट्रेनर्स अच्छे हैं, अपने जिम का एनवायरनमेंट अच्छा है, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो अगर सेटिस्फाई होके जा रहे हैं तो वो चीज मैटर करती है। वैसे मैं हर्ष की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हमेशा ही रहूंगा, लेकिन सिक्के का एक और पहलू। हाँ जी, कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया ठीक है, लेकिन वहां जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं आकर के आपको सर्विस देगा ठीक है, अब इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने ऐसे बंदों को अपना जिम हैंडओवर कर रखा है जिनका कोई नॉलेज ही नहीं है इसका। बिल्कुल सही। अब आप सपोज करो कि अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं फिटनेस की आपको कैसे गाइड करूंगा? तो बिल्कुल सही बात है। सपोज करो आप ठीक है, तो एक ऐसे जिम में जाना भी जरूरी है जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो सर ये मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो बंदे को खुद भी नॉलेज नहीं है तो सामने हायर भी ऐसी बंदे को करेगा तो उनको भी नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या पूछेगा उनसे इंटरव्यू में कि क्या जानकारी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उसका। अब जिम को मैनेज करने के लिए भी बहुत सी चीजें होती है। बिल्कुल सही। आज के टाइम में हम दोनों हैं। बिल्कुल सही। इन एनी कंडीशन अगर हर्ष नहीं होता है तो मैं होता हूँ, मैं नहीं हूँ तो हर्ष होता है। तो यहाँ पे सिंगल पर्सन जो भी आता है जी, वो एक सुपरविजन में रहता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत से जिम ऐसे हैं जहाँ सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर ही नहीं और है भी तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है इस सेक्टर का। बिल्कुल सही। एक बात बताइए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जी, एक रिटेलर क्या फिटनेस इंडस्ट्री में काम करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि वो कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है, लेकिन है ठीक है। लेकिन जो मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने पूरा इस यूएफसी में लगा दिया, हर एक प्लस पॉइंट को लेकर के कि मेरे को कहां मुझे प्लस में जाना है और कहां मैं माइनस में आ सकता हूं। हर माइनस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसे प्लस में कन्वर्ट किया, कि हमें जहां जहां पे माइनस पॉइंट दिखते हैं किसी जिम में या कहीं पर भी वो हम इस जिम में नहीं आने देंगे और कोशिश पूरी करेंगे। बाई चांस देखिए लक है और कुछ होता है कि हाँ चलो हो गया किसी ने, उसको भी आप सुधारेंगे। एक और चीज बताना चाहता हूं जी, कि जो मेरा स्टाफ है बिल्कुल उसमें भी जो भी बंदे सब हाईली ट्रेन्ड है और सबको कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होल्डर है सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि वापस वही बात आ जाती है, एक्सपीरियंस होगा नहीं तो आप सर्विस दोगे कैसे? बहुत सी जगह सर मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ सर्टिफिकेट से भी कुछ नहीं होता। नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है 4 साल का और एक सर्टिफाइड होता है 1 साल के अंदर, सर्टिफाइड भी नहीं होता है। हाँ, वो भी 6 महीने 3 मंथ्स का होता है, वो भी वीकेंड्स पे क्लासेस होती है। तो आप सोचो कि क्या आप पूरी बॉडी की जो एनाटॉमी होती है वो 3-4 महीने में पढ़ सकते हैं अपन? नहीं, तो फिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं इतने टाइम? चाचा यार आपसे सर मिलकर और आपकी ये बात जानकर मुझे एक इस बात की खुशी है कि एक्सपीरियंस वाले को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपको शायद इस इनकी बात से और इनके जवाब से आपको शायद ये पता लग गया होगा कि अब आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी जिम में ना जाएं अगर वहां पे इन्वेस्टर है, आप जाइए, मगर आपको उन्होंने क्या सर्विस प्रोवाइड की और आपके पास में जो ट्रेनर आपके लिए उन्होंने हायर किए हैं
क्या वो नॉलेजेबल हैं, क्या उन्हें वो नॉलेज है कि आपको वो क्या डाइट देंगे, आपको किस तरह से एक्सरसाइज सिखाएंगे, क्या वर्कआउट आपका होना चाहिए, क्या वर्कआउट प्लान नहीं होना चाहिए, ये एक कोच एक ही ट्रेनर का काम है। अगर इन्वेस्टर ने वो ट्रेनर आपको नहीं दिया तो फिर आप, मैं तो ये कहूंगा कि ये सब जानने के बाद आप प्लीज वहां ना ही जाए, और मैं ये नहीं कहता किसी जिम में ना जाए, जाए पर ये जरूर देखें कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों यहां पर इस सवाल को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के लिए। हाँ तो सर, मेरा जो अगला सवाल है हमारे व्यूवर्स, जो व्यूवर्स के लिए मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इतनी देर से, हमारे आपका और हमारा जो बातचीत हुई है वो सब देखकर मेरे ख्याल से काफी इंप्रेस भी होंगे। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप उन्हें ये बताएं कि अगर वो आपके जिम में ज्वाइन करने आए तो क्यों आए, और उन्हें वर्कआउट क्यों करना चाहिए और क्यों जिम ज्वाइन करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा आप बोलें। पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जो बिगनर्स है उनके लिए, जैसे आप मेरे एग्जांपल ले लीजिए, मैं जब 14 साल का था तब मैंने जिम स्टार्ट की थी, मैं फर्स्ट टाइम जिम में गया था। क्या बात। तो उस टाइम भी मतलब वहाँ मुझे इतना नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाते थे ट्रेनर्स वगैरह, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा था कि जा रहे हैं डंबल उठा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं। पर हर स्कूल वाले लड़के आजकल जो होते हैं उन सबका ये होता है कि हमें बॉडी बनानी है, हमें भी अच्छा दिखना है, और बहुत बुली होते हैं वो स्कूल में। तो फिर बुली ना हो ताकि अपन ऐसे तो बने कि मतलब कोई अपन को आंख उठा के ऐसे नहीं बोल पाए, कुछ गलत नहीं बोल पाए, हाँ तू कमजोर है, हाँ ये ना बोल पाए कि हमको ये एहसास ना करा पाए कि हम कमजोर हैं ऐसा। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक होती है। बिल्कुल सही। अपन बुक्स पढ़ लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन को पता ही नहीं उस चीज को, अपन ने प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं किया, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक, तो अपन उसको कैसे कर पाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है। जितने भी ट्रेनर्स हैं यहाँ पर उन सबको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो है ही मिनिमम, और जो भी हमारे सुपरविजन में रहते हैं वो अगर बाय चांस ट्रेनर से भी कुछ मिस हो जाता है तो उसके बाद वो भी हम बता देते हैं। बिल्कुल सही। कि या तो प्रवेश में होते हैं या फिर मैं होते हैं, एक जना तो हमेशा आपको फ्लोर पे मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत। तो वही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई टाइम है, ऐसा कोई मौका आपने फेस किया है जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन कोई इंसान कमजोर नहीं होता जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं अपनी उस कमजोरी से बाहर हूं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि हर इंसान की एक चाह होती है मजबूत बनने की, इनमें थी तो आज ही आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर आप में भी वो चाह है कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, आप भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो दोस्तों UFC सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक बार जरूर आइएगा, किसी भी जिम में आप जाएं जरूर जाएं, पर एक बार इस जिम में भी विजिट करके जाइएगा। आपको जो अपनापन है, जो आपको एकदम फैमिली वाला एहसास होगा, और जो कहते हैं कि हमारे परिवार में हमारे माता पिता ही हमें सही राय दे सकते हैं, मेरे ख्याल से माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं होता, लेकिन आपको ऐसी फैमिली जैसी राय और आपको ऐसी फिटनेस यहाँ पर मिलेगी, जरूर आइएगा। तो चलिए तब तक के लिए, मेरे ख्याल से आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। हमारे साथ में परमेश जी हैं और हर्ष जी हैं, इनकी बातें सुनकर और इनके जो आपके बारे में आपको बताया है फिटनेस के बारे में, क्या राय है इनकी और क्यों ये फिटनेस जिम इन्होंने खोला है, वो सारी बातें जानकर आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले जिम में और अगले एक और ऐसे ही सबसे बेस्ट फिटनेस कोच और एक बहुत बेहतरीन जिम के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।